अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आपने रिसेंटली किसी जगह को विज़िट किया है और आप उस जगह के बारे में अपनी अच्छी या बुरी राय से लोगों को ऑनलाइन आगाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ट्रिप एडवाइज़र का अकाउंट होना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको ट्रिप एडवाइज़र का अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ट्रिप एडवाइज़र पे अकाउंट बनाने के लिए आपने सबसे पहले जाना है ये देख लें tripadvisor.com पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो लिखा हुआ है साइन इन, लेकिन आपके यहाँ पे साइन अप लिखा आएगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ और आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो लॉगिन होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने कंटिन्यू विद गूगल इस पर क्लिक कर देना है। और जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं और मैं इस अकाउंट के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्योंकि इस पर मेरा अकाउंट नहीं है, इस फॉर्म को आपने फिल कर देना है। यहाँ पे आपने लाहौर नहीं लिखना, यहाँ पे आप लंदन लिख दें, ठीक है। क्योंकि हम इंग्लिश अकाउंट बनाएंगे तो इस वजह से आपने यही लिखना है यहाँ पे। और नेम यहाँ पे मैं वही अकाउंट वाला ही लिख देती हूँ, सिद्धार्थ, ओके। तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है यहाँ पे, बहुत आसान है इसका अकाउंट बनाना। देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये अकाउंट जो है वो रिव्यू करने के लिए रेडी। तो ये था ट्रिप एडवाइज़र का अकाउंट बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने ट्रिप एडवाइज़र पे जाके किसी भी जगह के बारे में अपना रिव्यू सही तरीके से किस तरह से पोस्ट करना है। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और इसी